गणपति की सेवा मंगल सेवा सेवा से सब कुछ करें। तुम लोग तेजस देवता द्वार पर सब प्रवेश करें। वृद्धि से भी दक्षिण बाम बुलाके अरु आने से चले करें। धूप दीप और ये आरती भक्त करे जयकार करे। जिनके मोदक भोग लगत है मिश्रित वाहन चले करे। स्वामी रूप सेवा गणपति की जन भावना दूर करे। भादो मास शुक्ल चतुर्थी दिन जो पहरा पूर्ण करे। बेटा लेके आ रहे हो? थोड़ा पीछे होके करेगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। मधुवर का भोग लगे संत करे सेवा फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े देवा। Thank you.
चले लेने यार मत दिख भाई गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति भाई मोबाइल पीछे ले लो ना क्या बोलो ना गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा पुढच्या वर्षी गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा दुबे
और आज बड़ा ही एक इमोशनल सी फीलिंग होती है क्योंकि हर रोज़ की एक रूटीन होती है, सुबह उठते हैं पापा का आशीर्वाद लेते हैं, आरती होती है शाम को, फिर आरती होती है, प्रसाद बैठते हैं, फिर अचानक आपको लगता है यार वो सब बंद हो गया तो कार्यक्रम, बट पापा की ब्लेसिंग्स होती हैं और उन्हें के दिखाए हुए रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे आप। और सर हम जानना चाह रहे हैं कि बप्पा से जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा जो आपकी ज़िंदगी में एक अहम स्थान रखता है, क्या आप बताएंगे? मुझे लगता है कि हर साल बप्पा कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, देते आए हैं। जब पहली दफ़ा मैं मुंबई आया था तब पता नहीं था कि किस तरह की विधियों से पापा घर लाते हैं, पूजा करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं, फिर पापा ने खुद सिखाया। तो मुझे लगता है कि मैं अपने बड़े दोस्तों को भी बोलता हूँ और उनके घर पे भी हम पापा लेकर आए कि पापा को जो हम विघ्नहर्ता बोलते हैं वो एक्चुअली आप एक्सपीरियंस करते हैं जब आप घर पे लेकर आते हैं। इनफैक्ट मैं सबको बोलता हूँ कि ज़रूर लेकर आए पापा घर पर, क्योंकि जब तक आप नहीं लेकर आएंगे पापा आपका इंतज़ार करते रहेंगे कि आप उन्हें घर पर लेके आए। और एक परिवार का मेंबर है उसे हमेशा सदस्य को घर पे जब तक नहीं आता घर कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता। सुनोपा जी, जैसे जिस तरीके से आप पापा को यू नो 5 दिन आपने अपने घर में रखा, बहुत एक आपने एक मैसेज भी दिया, प्रमोट किया है आपको इको फ्रेंडली गणपति, आपने विसर्जन भी अपने घर में किया, आई थिंक दिस इज ऑल्सो नेसेसरी स्टेप जिसके बारे में सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है मैं अभी आ भी रहा था, जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है आजकल इस चीज़ को फॉलो करते हैं, पेंडॉल्स में इको फ्रेंडली पप्पा मिलते हैं, विसर्जन इको फ्रेंडली हो गई, सोसाइटीज़ में पॉन्ड्स बन गए हैं जहाँ पर वो विसर्जन करते हैं। सो आई फील ये बहुत एक कमाल का मैसेज है। पिछले कई सालों में मैंने यू नो बदलाव देखा है, पहले सब हम बीचेस में जाते थे, हम देखते थे कितना पोल्यूशन होता था उसके कारण, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी अवेयरनेस आ गई है और उस अवेयरनेस के कारण हम लोग देखते हैं कि लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए और इको फ्रेंडली तरीके से ही पापा का विसर्जन होता है और पापा बनाए भी जाते हैं। एक दिली इच्छा जो आप दुआ मांगे पापा से? मैं हमेशा पापा से ही दुआ मांगता हूँ कि जिस तरह लोगों से जुड़ा हुआ है, जिस तरह लोगों की मुश्किलें दूर करने का रास्ता दिखाते हैं इतने सारे पापा, हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं। सफ़र लंबा है लेकिन पापा के आशीर्वाद से पूरा ज़रूर होगा और हर साल ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। और इस साल तो फतेह भी आ रही है तो पापा की ब्लेसिंग्स और भी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म बड़ी स्पेशल है, बहुत करीब है मेरे। तो आई फील कि जल्द से जल्द यू नो खूब पापा के आशीर्वाद से देश भर में सबकी फतेह हो, सबकी ज़िंदगी में फतेह हो और हमेशा खुश रह सकें। और सर जैसा आपने बताया कि फतेह आपकी आने वाली फिल्म है, उसके लिए शुभकामनाएं करेंगे आपको। और फतेह के दौरान जब आप शूट कर रहे थे, कोई ऐसा लम्हा ऐसा कोई हुआ हो कि आपको पापा की याद आई हो? हर रोज़ हमारा जब शुरुआत होती है दिन की शूटिंग की, पापा से शुरुआत होती है। पहला जो शॉर्ट रोल होता है, पहली दफ़ा जो कैमरा रोल होता है वो पापा के विजुअल से होता है हर एक दिन। तो बोलते हैं कि ज़िंदगी की शुरुआत पापा से होती है, आपके काम की शुरुआत पापा से होती है, कोई भी बड़ी चीज़ करते हैं उसकी शुरुआत भी पापा से होती है। बाकी कि हमारी शूटिंग तो पापा के बिना शुरू हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, bye. Thank you so much. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.